वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत करुच्छी भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर। नवम श्रेणी पिला मानकर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रस्तुति पई एबे आमे माने इंग्रजी रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तक आलोचना करबा। सर्वमोट इंग्रजी रे 50 मार्क रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसीबो, सब्जेक्टिव रे मध्य 50 मार्क रो क्वेश्चन आंसर आसीबो। बट एबे आमे माने इंग्रजी रो जो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क रो क्वेश्चन आंसर आलोचना कर देबा, एहर परवर्ती वीडियो रे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नेके आसीबा। जदि आपण माने से वीडियो मिस करबा को चाहू नांती तो आपण माने एबे ठारो ही चैनल को सब्सक्राइब करिनियो, जहाँफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइपर। ठीक अच्छे, क्वेश्चन आंसर गुड़िक आपको प्रोवाइड करदेवि टेलीग्राम रे। टेलीग्राम रे सर्च करूँ भारती क्लासेस, से चैनल मिल जाव। प्रथम प्रश्न को जवा, हु डीड द गर्ल आस्क अबाउट मिस्टर गुप्ता, हु डीड द गर्ल आस्क अबाउट मिस्टर गुप्ता, ना द कैशियर। आंसर कौन हम द कैशियर। परवर्त प्रश्न को जवा, हु टोल्ड मिस्टर गुप्ता अबाउट द गर्ल, झीटी विषय में मिस्टर गुप्ता को किए कहला, ना द वेटर। वेटर जी कि सेठी खाइबार खाइबा बाढ़ुले खाइबा नवा आणवा करुले सीए ही मिस्टर गुप्ता को से झीटी विषय में कहले। परवर्त प्रश्न को मुव करवा, ह्वाट डिड द गर्ल आस्क अबाउट मिस्टर गुप्ता, ना वेदर ही वाज एन इंडियान, से भारतीय कि नाई मिस्टर गुप्ता से झील को पचारा। सॉरी, व्हाट डिड द गर्ल आस्क अबाउट मिस्टर गुप्ता, झीटी मिस्टर गुप्ता बारे विषय कौन पचारा, से भारतीय कि नहीं। परवर्ती प्रश्न, व्हेयर डिड द पाराप्लेजिक ओलंपिक्स 1996 टेक प्लेस, 1996 जो पाराप्लेजिक ओलंपिक्स होता है पारा ओलंपिक्स होता सीटा क्योंठार होता। आंसर हम कौटी ना ऑप्शन डी अटलांटा। मन रख पे पारा प्लेजिक ओलंपिक्स को सर्टे कह जाए पारा ओलंपिक्स। पारा ओलंपिक्स माने कौन पिला माने जो सब भिन्नक्षम लोक माने ओलंपिक्स रे भाग नि भल मन रख जो भिन्नक्षम लोक माने व्यक्ति माने ओलंपिक्स रे भाग नि से ही ओलंपिक्स टाक कह जाए पारा ओलंपिक्स। तो पारा प्लेजिक ओलंपिक्स से ही अनुसार ही नामकरण कर जोटा कि 1996 होता अटलांटारे होता। क्लीयर है। परवर्ती प्रश्न को मुव करवा, प्रश्न पाँच, व्हाट डज द वर्ड पाराप्लेजिक मीन, पाराप्लेजिक रो मीन कौन, ए पर्सन हुज लोअर बॉडी इज पैरालाइज्ड, ए पर्सन हुज लोअर बॉडी इज पैरालाइज्ड। परवर्ती प्रश्न को जब किसी समय पूर्व कहते ना भिन्नक्षम, बट ये कहुई कि जहाँ लोअर बॉडी माने अंटा तल को जहाँ पैरालिसिस हो जाए से माने जब ओलंपिक्स रे भाग नौ से ही ओलंपिक्स को कह पाराप्लेजिक ओलंपिक्स पारा ओलंपिक्स। प्रश्न छ, व्हाट पोजीशन डज जानकी होल्ड, जानकी के पोजीशन रे थिला, ना बैंक ऑफिसर रे थिला। प्रश्न सात, हु डोंट रन द रिस्क ऑफ इंजुरी और डेथ ऑन द रोड। आंसर है कम्युनिकेटर्स, कम्युनिकेटर्स। परवर्ती प्रश्न को जीवा, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द डैश टू अवॉइड रोड साइड मिसअप्स। आंसर हम रोड ट्रैफिक रूल्स, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द रोड ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड रोड साइड मिसअप। रोड रे एक्सीडेंट न हो बा रोड रे कौन सी दुर्घटना जनित घटना न घटू से आम मैंने कौन प्रति सावधान रहा दरकार, रोड ट्रैफिक रूल्स प्रति सावधान रहा दरकार। प्रश्न न को जी, व्हाट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ अ रोड एक्सीडेंट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनुसार कोटा सबुठ अधिक रोड एक्सीडेंट कराऊ कोटा ना लैक ऑफ अवेयरनेस लोक को सचेतनता न करवा ही रोड एक्सीडेंट अधिक कराऊ। प्रश्न दस को जी, रोड सेफ्टी विक् डजेंट एम आट डैश, रोड सेफ्टी विक् डजेंट एम आट राइजिंग फंड फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। रोड एक्सीडेंट रो जो विक्टिम्स अच्छा रोड एक्सीडेंट रे जो मैंने सामना होती दुर्घटनाग्रस्त लोक से फंड राइज करवा टंका संग्रह करवा रोड सेफ्टी विक् रो उद्देश्य नुहे। रोड सेफ्टी विक् रो उद्देश्य हूँ ये सप्ताह धरिकी आम लोक सचेतनता करवा जहाँकि वर्ष तमाम लोक मैंने बुझीपारे। परवर्त प्रश्न को जी, प्रश्न एगार को जी, एगार कौन कौन व्हेयर डू एंजल्स डिस्कस अबाउट होम एंड लव इन हिवेन, स्वर्ग रे। परवर्ती प्रश्न को जी, व्हेन डज वन हैव ए विनिंग पोजिशन, व्हेन डज वन हैव ए विनिंग पोजिशन, व्हेन ही हैज बोथ होम एंड लव। परवर्ती प्रश्न, व्हाट डज द पोएट कंपेयर होम विथ, कंपेयर आमर जे पोएट अच्छा अथर अच्छा से होम को क्या सहित कंपेयर कर से लव सहित कंपेयर कर। परवर्ती प्रश्न को जी, When one has both home and love, he does, he lives a happy life. जहाँ पाखे घर अच्छी आ भल पाए अच्छी से गोटे खुशी जीवन बीते पार बुझीपार। परवर्त प्रश्न को जी,
प्रश्न 15 कौन कहे व्हिच वर्ड्स आर ग्लोरीफाइड इन द पोएम होम एंड लव को वर्डटा ग्लोरीफाई करा जाय छी आंसर डी होम एंड लव को ग्लोरीफाई करा जाय छी। प्रश्न 16 को जबा व्हेयर हैड द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड व्हेयर हैड द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड आंसर अब अराउंड द ओल्ड फील्ड। स्पेक्टेटर्स माने कौन जो माने दर्शक से मानक स्पेक्टेटर्स कहुए से कौटी गैदरिंग होते एकाठी होते ना ओल्ड फील्ड रे गैदरिंग होते। प्रश्न 17 को जीवा व्हाय हार्ड द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड लोक मैंने कहीं गैदरिंग होते ना टू चीयर फर द आथलेट्स जो खेला अच्छा जो मैंने भाग नहीं खेल से चीयरअप करने इनकरेज करवाई गैदरिंग होते। प्रश्न ओके प्रश्न 18 को जीवा व्हाट आज अप्रोचिंग कौन पिला माने थिला ना द लास्ट इवेंट ऑफ द डे। परवर्ती प्रश्न जीवा व्हाट वाज ग्रोइंग हाई व्हाट वाज ग्रोइंग हाई आंसर हम एक्साइटमेंट वाज ग्रोइंग हाई तो ऑप्शन सी है जो आपण सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हाई वाज द एक्साइटमेंट ग्रोइंग हाई आंसर हम द लास्ट इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग। 21 नंबर को जीवा Who fell asleep during their watch? Naranju fell asleep during their watch. परवर्ती प्रश्न को जीवा What was a child's play? What was a child's play for Govinda? आंसर हम making an image. परवर्ती प्रश्न को मुव करवा प्रश्न 23 What was Govinda's second son? गोविंदार सेकेंड सन मान द्वितीय पिलार नाम कौन थिला? आंसर हम सॉरी गोविंदार द्वितीय पिला कौन थिला ना एन अप्रेंटाइज इन ए पेपर मिल एन अप्रेंटाइज मैंने कौटी कम करूला के विभाग में कौन पोजिशन कम करना अप्रेंटाइज थी गोटे पेपर मिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा हुज फेस हाड ए म्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ द मोमेंट आंसर हम रंजुस। परवर्ती प्रश्न को जीवा हु ब्रॉट ए फ्रेश मास ऑफ क्ले आंसर हम रंजू। परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हाय हाज द मस्टर्ड फील्ड बीन कंपेयर्ड विथ मेल्टिंग गोल्ड आंसर हम ड्यू टू द येलो कलर ऑफ अ मस्टर्ड फ्लावर्स। परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हिच कलर विंग्स डिड द ड्रैगन फ्लाइज हैव आंसर सी पर्पल। 28 नंबर व्हेयर डिड द चाइल्ड कम इन कंटैक्ट विथ द ड्रैगन फ्लाइज इन द मस्टार्ड फील्ड सोरिष क्षेत्र। प्रश्न 29 व्हाय वाज द चाइल्ड नॉट एबल टू कैच अप विथ हिज पेरेंट्स ही गॉट अट्रैक्टेड टू इंसेक्ट्स एंड वर्म्स एलोंग द फुटपाथ। परवर्ती प्रश्न व्हाय वेयर द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स कमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस आंसर हम टू एंजॉय सनशाइन। परवर्ती प्रश्न प्रश्न 31 व्हाट इज योर नेम पिक द प्रेडिकेट एठारे प्रेडिकेट कौन अटे ना प्रेडिकेट होची व्हाट इज। परवर्ती प्रश्न को जीवा बत्तीस नंबर प्रश्न व्हेयर डज ही लाइव पिक द प्रेडिकेट एठारे प्रेडिकेट कौन अटे ना डज लाइव व्हेयर डज लाइव व्हेयर। प्रश्न 33 मे आई कम इन पिक द सब्जेक्ट मे आई कम इन पिक द सब्जेक्ट आई। परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रश्न 34 कौन कहुची ही केम होम डैश द मकर हॉलीडेज ही केम होम ड्यूरिंग द मकर हॉलीडेज ड्यूरिंग द मकर हॉलीडेज You will have to do this work. Pick the primary auxiliary verb. इठारे primary auxiliary verb कौन हम have to. Okay. परवर्ती प्रश्न को जीवा You cannot go there. Pick the modal auxiliary verb. You cannot go there. इठारे modal auxiliary verb cannot. कौन हम cannot modal माने can could may might shall should will would ए गुडाक जदि खाली ऑक्सिलरी कहबो इज am are was were has have had ए गुडाक बुझि पारिलो। 37 नंबर प्रश्न को जीवा यू मे हैव टू गो देयर पिक द मोडल ऑक्सिलरी वर्ब एठी भी से भली मोडल पचारछि त
तो मे हो आपर सठिक उत्तर मे माइट क्यान कुड साल सुड विल उड युवाक मोडल ऑक्सिलरी आई डैश हिम सिंस यस्टरडे आई हैवंट सीन हिम सिंस यस्टरडे परवर्ती प्रश्न को जीवा 39 नंबर प्रश्न हाउ लॉन्ग हैव यू डैश टेनिस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस केते दिन हेला तुम्हें टेनिस खेली आसुछ कंटिन्यू हो तो बीन प्लेइंग हो गला आपण मानकर एठी सठिक उत्तर प्रश्न 40 डज योर फ्रेंड डैश इंग्लिश डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश परवर्ती प्रश्न को जीवा देख एटी अतीत सेन्स रे कुहा होनी ना तंगो पचर जाउछ तुम सांगो कि इंग्लिश कहि आसिछि कि नाही तो योर सांग कुहा जाउछ तो स्पीक हे जेबा अपन मानकर सठिक उत्तर एटी थर्ड पर्सन नुह त स्पीक सबनी पास्ट फॉर्म रे बना जीवनी तण कर दुटा जक ए आउ डी काटि देले त आंसर हे गला कोन स्पीक 41 नंबर प्रश्न विजिटर्स डैश लीव देयर शूज एंड चप्पल्स आउटसाइड द एंट्रेंस बिफोर गोइंग इनटू द टेंपल द नोटिस सेड एटी डैश रे कोन आमे फिलअप करबा नाइट डैश रे फिलअप करवा साल परवर्ती प्रश्न को जीवा गांधीजी डैश हाव इज इवनिंग मिल सुन आफ्टर इज इवनिंग प्रेयर दिस वाज हिज हैबिट तो ये डैश पुराण में कौन लिखा डैश पुराण लिखा उड परवर्ती प्रश्न को जीवा 43 डैश आई यूज योर पेन फॉर ए मिनिट प्लीज एटी रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट अर्थ आम मैंने कौन लगे पार कूड लगे पार कूड आई यूज योर पेन फॉर ए मिनिट गोटे मिनिट पाई तुम पेन को व्यवहार करी कि दयाकर तो ये प्लीज रे जिते बड़े लगे रिक्वेस्ट करुचे तो कूड लगे लिखा बुझेगा परवर्ती प्रश्न को जीवा कंप्लीट द नाउन फ्रेजेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ हिज सुइटेबल वर्ड्स द डैश हाउस तो आंसर कौन हम द बिग ओल्ड हाउस कौन हम यहाँ विषय डायरेक्ट आ बिग ओल्ड हाउस बुझेगा परवर्ती प्रश्न को जीवा Complete the noun phrases by filling in the blanks with his suitable words. All dash boys, all her good boys, all her good boys. परवर्ती प्रश्न कुछ बा प्रश्न 46 The little girl is always talking. Pick the determiner. एठे determiner किए पिला मैंने the. परवर्ती प्रश्न कुछ बा प्रश्न 48 को आसवा सॉरी प्रश्न 47 को जीवा माय फ्रेंड्स विलेज इज फार फ्रॉम हियर पिक द प्री मॉडिफायर एठी फ्रेंड्स हे जीवा प्री मॉडिफायर आई हैव बॉट 3 रेड पेंसिल्स यस्टरडे मु काली तीनोटी रेड पेंसिल आनी थी तो पिक द प्री मॉडिफायर एठी प्री मॉडिफायर किए होची ना प्री मॉडिफायर होची पेंसिल्स परवर्ती प्रश्न को जीवा सॉरी पेंसिल हबनी 3 रेड हबो 3 रेड हे जीवा अपन मानकर प्री मॉडिफायर 49 नंबर प्रश्न आई गॉट इंजर्ड व्हाइल साइक्लिंग मु साइकिल चलेला बेले बा साइकिल चलाउथिला बेले इंजर्ड होईची बा हेली आइडेंटिफाई द मॉडिफायर एठी आइडेंटिफाई करबा आंसर होची व्हाइल साइक्लिंग परवर्ती प्रश्न ऑप्शन सी हे गला आपण मानकर सठिक उत्तर 50 नंबर प्रश्न पीपल इन जनरल लव गांधी आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन जनरल एठी सठिक उत्तर कौन अच्छे प्रिपोजिशनल फ्रेज अच्छी इन जनरल तो ये आपर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़ा आपण मानते मुझे आलोचना कली यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं कि आसवि जोटा कि 50 मार्क अटे तो चैनल सब्सक्राइब करें ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखि था जहाँकि आपण मानक एग्जाम हेल्प कर ओके जदि क्वेश्चन आंसर गुड़िक पीडीएफ आकार पाइबा को चाहते टेलीग्राम को सब्सक्राइब करनी टेलीग्राम चैनल को जातु बा टेलीग्राम को जातु से सर्च करूँ भारती क्लासेस आपको मिलजिव अन्यथा आपण मैंने भिडियोर डिस्क्रिप्शन को सर्च करें ओके थैंक यू सो मच पे देखा परवर्त भिडियो।